हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलग-अलग सर्टिफिकेशंस के बारे में देखने वाले हैं। और आप में से कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमको कौन सा सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। जैसे कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि एनडीटी जो है, एनडीटी के अलावा जैसे सीसीप है या एपीआई के कुछ सर्टिफिकेशंस है, बी गैस करके भी सर्टिफिकेशन है जो पेंटिंग इंस्पेक्शन का है, नेस करके भी सर्टिफिकेशन है जो भी वो भी पेंटिंग इंस्पेक्शन का है। तो एनडीटी के अलावा हमें कौन से सर्टिफिकेशन लेने चाहिए, या एनडीटी नहीं करना है तो हमें ये कोर्स करना चाहिए दूसरा कि नहीं? ऐसे बहुत सारे आप लोगों के कंफ्यूजन होते हैं, तो एक के बाद एक हम ये डिस्कशन करेंगे ये वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें एनडीटी लेवल टू के पूरा सिलेबस कवर किया है सभी 5 मेथड के लिए। और मैंने कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाए हैं, कुछ कोड और स्टैंडर्ड के इंटरप्रिटेशन कैसे करने हैं ये सब वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद में अभी थोड़े ही दिनों में यूटी प्रैक्टिकल जो वेल स्कैनिंग होता है, लैमिनेशन जो रहता है, उसके भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज करके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन से फील्ड में काम करते हैं। ये आपको पहले देखना होगा। जैसे आप एनडीटी के फील्ड में ही आपको काम करना है या फिर एनडीटी के फील्ड में ही आप काम करते हैं, तो सपोज आपने एनडीटी लेवल 2 किया है तो आगे मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसमें ही आगे जाइए। ठीक है, मतलब एनडीटी के फील्ड में आपने लेवल 2 करके आप एज ए यूटी टेक्नीशियन काम कर रहे हो तो आप उसमें पीसीएन सर्टिफिकेशन यूटी में ले सकते हो या फिर एनडीटी में लेवल 3 कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसके अलावा ISO 9712 के हिसाब से भी आप लेवल 2 कर सकते हो यूटी में, या पीटी एमपीटी आरटी जो भी आप मेथड में काम करते हो उसमें, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। आप लोग कई बार पूछते हैं कि यहाँ पे मैं एनडीटी में काम करता हूँ, यूटी में काम करता हूँ, पीटी में, तो यहाँ पे मेरा सैलरी अच्छा नहीं है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो मैं चेंज ओवर करना चाहता हूँ, क्या मैं वेल्डिंग के फील्ड में जा सकता हूँ? ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है कि आप ये मत करिए। हो सके तो एनडीटी के फील्ड में ही रहिए क्योंकि आपका बेस जो है वो एनडीटी है। अभी आप फील्ड चेंज ओवर करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, मतलब जीरो से आपको जो है वो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा और एज अ फ्रेशर आपको जॉब करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप रेडी है तो आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, पर इसमें आपको एक्सपीरियंस भी पहले लेना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना है। जॉब भी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होती है फ्रेशर के लिए। तो फाइनली आपने डिसाइड कर ही लिया है तो जा सकते हैं, पर ये एडवाइसेबल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सीसीप की बात करें तो सीसीप सर्टिफिकेशन है वो वेल्डिंग इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेशन है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स के लिए। ठीक है, ये याद रखना है, वेल्डिंग सुपरवाइजर एंड वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन है ये, वेल्डिंग इंजीनियर का नहीं है। तो कई बार लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये वेल्डिंग इंजीनियर का सर्टिफिकेशन है ऐसा मान के चलते हैं, पर नहीं। ठीक है, वेल्डिंग इंजीनियर्स के लिए अलग से IWE है या दूसरे भी सर्टिफिकेशन आते हैं, पर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम लेते हैं वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए। ठीक है, बाकी AWS करके भी सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का AWS CWI, तो वो भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए है, वेल्डिंग इंजीनियर का सर्टिफिकेशन वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक वेल्डिंग रिलेटेड बात हुई। इसके अलावा बात करें तो पेंटिंग इंस्पेक्शन के लिए, जैसे मैंने आगे बताया कि बी गैस का सर्टिफिकेशन है जो आपका ये जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये सर्टिफिकेशन है। ठीक है, और पेंटिंग इंस्पेक्शन में ही आपको दूसरा सर्टिफिकेशन देखना है तो नेस करके एक सर्टिफिकेशन है। नेस मतलब कि नेशनल अलायंस फॉर कोरोजन इंजीनियर्स, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। उसका फीस जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, पर फिर
फीस का भी मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें कितना कितना फीस रहता है। पर पेंटिंग इंस्पेक्शन के फील्ड में आप जाना चाहते हैं ठीक है, तो डायरेक्टली मत जाइए, आप बिल्डिंग इंस्पेक्शन पहले कर लीजिए, जैसे सी स्वीप है या फिर AWS रिलेटेड कोर्स करिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, उसके बाद पेंटिंग इंस्पेक्शन में जाइए ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी काम में आएगा। अभी फीस की बात करें तो सी स्वीप सर्टिफिकेशन जो है वो TWI उसका मेन जो बॉडी है तवा वेल्डिंग इंस्टीट्यूट करके, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पूरा सिस्टम है। और उसका फीस जो है वो अराउंड, ये एक्चुअली पाउंड में होता है पर इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट करें तो अराउंड आपका 1,40,000 आसपास उसका फीस रहता है। और जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ वहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह का जो खर्चा आएगा, मतलब ट्रेनिंग का जो है वो अराउंड 20-25,000 आपका वो होता है एक्सपेंसेस होगा। और दोनों मिलाकर आप देखने बैठे तो 1,65,000-1,70,000 आसपास आपका इसमें वो खर्चा आएगा ठीक है। CC जो करता है CC 3.1 उसके लिए। BGS सॉरी AWS CWI की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम आपको वो खर्चा आएगा, थोड़ा सा कम है उसमें, पर AWS CWI जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको CWI का वो सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर। पेंटिंग इंस्पेक्शन में जैसे मैंने बात किया BGS है, तो BGS में भी CC जितना ही ऑलमोस्ट खर्चा है 1,65,000-1,70,000 आसपास, तो ट्रेनिंग और आप जो बॉडी में आप जो पेमेंट करते हो ब्रिटिश बॉडी में वो दोनों मिलाकर अराउंड 1,65,000 और 1,70,000 आसपास उसमें कॉस्टिंग आपका बैठेगा ओके। और नेस की बात करें तो नेस में तो पहले लेवल 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नेस में लेवल है लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके, तो लेवल 1 जो है उसका फीस अराउंड 2-2.5 लाख आसपास रुपया आसपास फीस है ठीक है। इसके अलावा API का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, आपको पता हो तो API में अलग अलग, API मतलब कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, तो उसका बात करें तो उसमें API 510, API 570, API 653, 936 ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे उसके स्टैंडर्ड है, तो उसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो हर एक स्टैंडर्ड है उसमें वो एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम है API का वो इंस्पेक्शन रिलेटेड है ठीक है, बिल्डिंग इंस्पेक्शन नहीं पर नॉर्मल इंस्पेक्शन रिलेटेड ये स्कीम है। तो आपको अगर 510 करना है तो उसका फीस जो है अराउंड 80-90,000 आसपास है, डॉलर में फीस है, आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो इतना पड़ेगा। 570 का भी उतना है, 653 का भी, और 936 जो है ठीक है उसका अराउंड 40-45,000 आसपास फीस है। उसमें काफ़ी सारा 571 है और बाकी भी कई सारा इसमें API में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जो उनके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन स्कीम्स होते हैं ओके। तो तभी फाइनली ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है ठीक है। अभी यहाँ पे सभी बॉडीज जो है, चाहे API है या NDT में जो PCN का BINDT है या फिर CC में TWI है ठीक है, सभी बॉडीज जो है यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है वो पैसे कमाने के लिए बैठी है ओके। मैं सीधा ही बोल देता हूँ यहाँ पे कि सभी बॉडीज जो है वो पैसे कमाने के लिए ही बैठी है। तो आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है ओके। मतलब कि आपके फ्यूचर में आपको क्या काम करना है, NDT के फील्ड में जाना है, बिल्डिंग इंस्पेक्शन में, पेंटिंग इंस्पेक्शन में, या QC के फील्ड में आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से आपको ये कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है और वो कोर्स करके आपको आगे बढ़ना है। मतलब सर्टिफिकेशन जो है वो अनलिमिटेड है, जितना आप करो उतना कम ओके। मतलब जितना सर्टिफिकेशन आप लो उतना कम है, क्योंकि कोई क्लाइंट नया आएगा तो उसका कोई और सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा क्लाइंट आएगा तो उसका कुछ और होगा। तो अभी आप जहाँ पे जॉब करते हैं उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। कोई कोई कैंडिडेट मैंने ऐसे देखा है कि वो क्या करता है कि जैसे वो NDT में काम करते हैं पर कोई वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने वाला लड़का है, CC वाला है ठीक है, वो अच्छा कमा रहा है तो क्या सोचेगा कि CC करके तो बहुत पैसा है ओके। पर ऐसा कुछ नहीं है, NDT के फील्ड में भी आप काम करो तो
एक 2 साल या 5 साल के बाद उससे भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, एनडीटी में आप सर्टिफिकेशन लो, आप पीसीएन करो या फिर आप एनडीटी Level 3 करो तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो जो भी फील्ड में आप काम करते हो उसी में आगे जाओ, जो मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया, तो आपके लिए बढ़िया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एनडीटी फील्ड खराब है या बिल्डिंग इंस्पेक्शन का फील्ड खराब है या पेंटिंग इंस्पेक्शन में कुछ नहीं है, क्यूसी में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी फील्ड में सभी लोग जो है वो अच्छा पैसा बना रहे हैं, उसका सैलरी सभी का अच्छा होता है, पर आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ओके, कोई भी फील्ड में आप जाओ सीधा ही आपको सैलरी मिल जाएगा, सीधा ही आपका 50-60 हजार रुपया या लाख रुपया सैलरी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी फील्ड में जाओ, चाहे आप बिल्डिंग इंस्पेक्शन में जाओ या पेंटिंग इंस्पेक्शन में, एनडीटी में, किसी में भी। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना है, और किसी और का देख के हमको कोर्स करना है या किसी और ने ये किया तो हमको ये करना है, ऐसा कभी मत करिए। ठीक है, क्योंकि कोई और का सिचुएशन किसी कोई और लोग है उसका सिचुएशन अलग होता है, हमारा सिचुएशन अलग होता है। ओके, आपका सरकमफरेंस जो है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, आपका जॉब जहाँ पे करते हैं, ओके, वो सब बैकग्राउंड अलग होता है, किसी और का अलग होता है। तो आप अपनी सोचिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ सरकमफरेंस, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, ठीक है, मैंने देखा है मार्केट में कि लोग जो है वो किसी और का देख के सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं, मतलब इसने एपीआई किया है, ये अच्छा पैसा कमा रहा है तो मैं भी ले लूं। ओके, ऐसा नहीं होता है, उसने सर्टिफिकेशन लिया है, उसको जॉब भी डायरेक्टली मिल गया, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, तो उसको सैलरी मिल रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी मिले। ठीक है, आपका लक अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके कनेक्शन अच्छे हैं और आपको चांस भी मिल गया, ठीक है, तो आपका सैलरी भी उससे अच्छा हो सकता है। ओके, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, तो आपका सरकमफरेंस कैसा है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है, राइट? तो ये सब चीज जो है वो जनरल डिस्कशन करना था, इसके लिए वीडियो बनाया था। तो अभी इसमें आपको और आगे जानना है या और कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।